सिंगुलर पॉइंट के बाद में हम पढ़ेंगे इंडिकेटिक्स। तो इंडिकेटिक्स की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंडिकेटिक्स, इफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ ए सरफेस बी टेकन एज द प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड एक्सिस एंड द इक्वेशन टू द सरफेस इज द जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दिस इक्वेशन मे बी रिटन एज जेड दिस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई एंड प्लस वन बाई टू आर इन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एस एक्स वाई प्लस टी इंटू वाई स्क्वायर एंड प्लस वन। हमने क्या लिया, इफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट गिवन पॉइंट ऑफ ए सर्फेस बी टेकन एज द प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड द जेड एक्सिस। किसी सर्फेस के किसी बिंदु पर हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन जेड इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स वाई समतल लें और जेड एक्सिस उस पॉइंट के ऊपर हम सरफेस बी टेकन एज द टेंजेंट प्लेन दिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस नॉर्मल है, एक तो टेंजेंट प्लेन जो कि जेड इज इक्वल टू जीरो है और एक उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है यानी ओरिजिन ले लेते हैं अपन, तो ओरिजिन के ऊपर जो जेड एक्सिस है वह उसकी क्या हो जाएगी नॉर्मल और जेड बराबर जीरो एक्स वाई समतल है वो क्या हो जाएगा उस समय टेंजेंट प्लेन। एंड द इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज देन जेड इज इक्वल टू, ऐसी स्थिति में जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है इस की जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है वो हम आगे सरफेस की इक्वेशन सॉरी दिस इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लें तो इसको हम एक्सपेंड करने पर हमारे पास इसकी इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होती है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस वन बाई टू आर इंटू एक्स स्क्वायर। ये पी क्यू आर एस टी जहाँ पर ये आंशिक अवकलन की जो हम जो सिंबल फिक्स हैं वो है पी दिस इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई आर डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एस डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड टी इज इक्वल टू डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। Therefore, where P, Q, R, S, T are the values of this, 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 now at the respectively, now at the origin P is equal to 0, Q is equal to 0, P और Q के मान origin के ऊपर 0 है क्योंकि origin के ऊपर हम देख रहे हैं कि जेड एक्सिस है वो अभिलंब है और जेड एक्सिस अभिलंब है तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइन होते हैं 0, 0 और 1 और हमने पीछे पढ़ा है कि नॉर्मल के जो डायरेक्शन होते हैं डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल्टा जेड कहेंगे अपन तो वो दोनों यही हैं डेल जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल जेड अपॉन डेल्टा वाई जो कि जीरो जीरो हैं और लास्ट हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल्टा जेड यानी वन वो हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल्टा जेड वो क्या हो जाएगा वन। तो इसलिए जीरो जीरो वन यानी पी भी जीरो है और क्यू भी जीरो है तो यही लिखा अपन ने। नाउ एट द ओरिजन P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड देर फॉर जब P और Q के मान हम जीरो दे दें तो जो सरफेस की इक्वेशन है वो ये हो जाएगी कि दो इधर गुणा में आ जाएगा देन ट्वाइस जेड दिस इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस एक्स वाई एंड प्लस टी वाई स्क्वायर एंड प्लस वन। ये हाई पावर्स आ जाएंगी हमारे डेरिवेटिव आंशिक जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है उसकी हाई पावर्स और एक्स वाई जेड यदि स्मॉल हैं तो उस समय हाई पावर्स इनको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हैंस इफ वी कंसिडर एक्स एंड वाई इन द नेबरहुड ऑफ द ओरिजन, यदि कह रहा है कि हम एक्स और वाई ओरिजन के नज़दीक में लें हम नेबरहुड में लें तो ये बहुत स्मॉल हो जाएंगी टू बी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर फॉर जेड इज द सेकेंड ऑर्डर एंड देयर फॉर वी रिजेक्ट टर्म्स ऑफ द थर्ड एंड हायर ऑर्डर्स। हम इसकी थर्ड और हायर ऑर्डर्स की टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर दें यदि ऐसी स्थिति में क्योंकि ओरिजन के पास में एक्स और वाई के मान बहुत स्मॉल होंगे और आगे की जो हाई पावर्स की जो टर्म आएंगे इसलिए हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। दैन वी हैव एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द शेप ऑफ द सर्फेस एज द ओरिजन एट द ओरिजन द कोनिकोइड गिवन बाई ट्वाइस जेड दिस इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस एक्स वाई एंड प्लस टी वाई स्क्वायर। हम अप्रोक्सीमेशन यदि इस इक्वेशन का लें तो आगे की टर्म को हम छोड़ दें तो उस समय सर्फेस की जो शेप है वो ये बन जाएगी। द कोनिकोइड इज ए पैराबोलॉइड इफ आर टी दिस इज नॉट इक्वल टू एस स्क्वायर। ये जो इक्वेशन सर्फेस की बनी ये सर्फेस की इक्वेशन पैराबोलॉइड होगा यदि आर टी इज नॉट इक्वल टू एस स्क्वायर एंड ए पैराबोलिक सिलेंडर इफ आर टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। यदि इसमें आर टी इक्वल टू एस स्क्वायर है तो ये पैराबोलिक सिलेंडर की इक्वेशन होगी और यदि आर टी इज नॉट इक्वल टू दिस है देन ये पैराबोलॉइड की इक्वेशन होगी। इन द नेबरहुड ऑफ द ओरिजन द सेक्शन ऑफ द सर्फेस एंड कोनिकोइड बाई ए प्लेन पैरेलल टू द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन अपना एक्स वाई प्लेन है जेड इज इक्वल टू जीरो है तो हम यदि ओरिजन के पास में एक्स वाई प्लेन के समतल समांतर कोई समतल लें इसके पैरेलल हम प्लेन लें कोई एक्स वाई तल के समांतर प्लेन लें और उसका इसके साथ में इंटरसेक्शन देखें तो देखिए आगे क्या होता है। द सेक्शन ऑफ द सर्फेस एंड कोनिकोइड बाई ए प्लेन पैरेलल टू द टेंजेंट प्लेन एंड एट द इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस एच
फ्रॉम इट, बहुत ही पास में, बहुत ही इन्फाइनाइटिजिमल का मतलब होता है बहुत ही जीरो, टेंस टू जीरो। तो एच की वैल्यू टेंस टू जीरो है, इतना पैरेलल है कि दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो जगह है बहुत कम हो। कौन कौन सी, ये कॉनिकॉइड, द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड इज ए कॉनिक विच इज गिवन बाई, तो उस समय इसका उस समतल के साथ में जो कटान होगा वह होगा जेड इज इक्वल टू एच। तो हमारा जो प्लेन है वो है जेड इज इक्वल टू जीरो के पैरेलल में, जेड इज इक्वल टू एच, एच टेंस टू जीरो, लगभग बहुत छोटी क्वांटिटी एच है, तो इसलिए ये ओरिजिन के बिल्कुल पास में हमने कट लगाया। और उस समय कट किसको लगाया, इसको लगाया, कॉनिकॉइड को लगाया इसको, और इसको लगाने के बाद में जो कट आया वो हुआ एक कर्व, एक कर्व हुआ, कॉनिक हुआ, जेड इज इक्वल टू एच है उसमें, जेड की जगह एच रख दिया, तो एक्स वाई के अंदर ये हमारे पास इक्वेशन आई, ट्वाइस एच इज दिस इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस टू एस एक्स वाई एंड प्लस डी वाई स्क्वायर, विच इज कॉल्ड द इंडिकेट्रिक्स, ये इंडिकेट्रिक्स कहलाती है। द इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स आर गिवन बाई, इसकी जो इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स आएंगी, जो कॉनिक आया इसकी, वो आएंगी किससे दी जाएंगी, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, जेड बराबर जीरो देंगे तो एच बराबर जीरो इसमें रखेंगे, तो ये इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स की इक्वेशन आती है, एंड आर क्लियरली पैरेलल टू द एसिम्प्टोट्स टू द इंडिकेट्रिक्स, इंडिकेट्रिक्स जो दे रखा है उसके एसिम्प्टोट्स आएंगी, एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं, अनंत स्पर्शियाँ, वो आएंगी। हेंस इफ द इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, अब हम इससे हम देखेंगे यदि इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं या रियल हैं या रियल और डिफरेंट हैं, अलग अलग स्थितियों में हम देखेंगे। द इंडिकेट्रिक्स इज एन एलिप्स, यदि दोनों जो एसिम्प्टोट्स आएंगी और दोनों अनंत स्पर्शियाँ जो होंगी वो इमेजिनरी होंगी, तो निश्चित रूप से जो ये कर्व जो दे रखा है ये एक इलिप्स की शेप होगी, यानी उस समय जो इंडिकेट्रिक्स जो हमारे पास आए हैं तो उस समय जो कॉनिकॉइड है उसको जेड बराबर एच समतल से हम कटान देखेंगे तो वो कटान एक इलिप्स की शेप बनेगी, तो वहाँ पर ओरिजिन के पास में हमारे को सरफेस की शेप का पता लगेगा कि कैसी है और वो इलिप्टिक होगी वहाँ पर। तो ये देखिए, द इंडिकेट्रिक्स इज एन इलिप्स एंड द ओरिजिन इज एन इलिप्टिक पॉइंट, इस स्थिति के अंदर जो ओरिजिन होगा उसको हम इलिप्टिक पॉइंट कहेंगे ऑन द सरफेस। इफ दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यदि दोनों सिम्प्टोट्स जो निकलेंगी वो रियल हैं, वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, जैसे इस तरह से वास्तविक और अलग अलग हैं, देन द इंडिकेट्रिक्स इज ए हाइपरबोला, उस समय जो इंडिकेट्रिक्स है क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा, हाइपरबोला की शेप में होगा, कटान जो होगा जेड बराबर एच का इससे कॉनिकॉइड से, तो वह कैसा होगा, हाइपरबोला, एंड द ओरिजिन इज ए हाइपरबोलिक पॉइंट, ऐसी स्थिति में ओरिजिन को हम हाइपरबोलिक पॉइंट कहेंगे। एंड इफ दे आर कॉन्सिडेंट, और यदि वो दोनों की दोनों क्या कर जाती हैं, दोनों जो एसिम्प्टोट्स हैं वो दोनों कॉन्साइड कर जाती हैं, उस स्थिति के अंदर कॉन्सिडेंट द इंडिकेटिक्स इज टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड द गिवन द एंड द ओरिजिन इज ए पैराबोलिक पॉइंट, ऐसी स्थिति के अंदर जो ओरिजिन है वह पैराबोलिक पॉइंट कहलाएगा। तो तीन स्थितियां बनी, हमने क्या देखा, ये जो कॉनिकॉइड है हमने उस समय जो सरफेस दे रखा है, इस सरफेस के लिए हमने ये कहा कि इसका एक पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमने स्पर्श समतल की इक्वेशन जेड बराबर जीरो ली और एक जेड एक्सिस उस बिंदु के ऊपर हमने सरफेस की नॉर्मल ले ली, तो नॉर्मल लेने के कारण से पी और क्यू जीरो हो गए उसके जो डायरेक्शन रेशियो से, और सरफेस की इक्वेशन हमारी ये चेंज होकर के इस टाइप की हो गई, इसके यानी ओरिजिन के बिल्कुल पास में हम लें तो एक्स और वाई के स्मॉल मान हो जाएंगे, इसलिए हमने हाई पावर्स को छोड़ दिया, उस समय इस कॉनिकॉइड या जो जो सरफेस दे रहा उसकी शेप इस तरह की हो गई। अब इसको हमने ओरिजिन के पास में जो टेंजेंट प्लेन जेड बराबर जीरो है उसके पैरेलल समतल लिया एकदम पास में, जिनके बीच की दूरी एच ली और एच टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के पास में, उससे इसका इंटरसेक्शन देखा तो एक कॉनिक आया, एक कर्व आया, और ये जो कर्व लिया हमने इस कर्व की शेप के बारे में हम पता लगाएंगे कैसी है। तो हमने कहा कि यदि कर्व के ये जो है इसके एसिम्प्टोट्स यदि हैं दो हैं, इमेजिनरी हैं, एसिम्प्टोट्स टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, ये इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स होंगी वही एसिम्प्टोट होंगी, और जो इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, ऐसी स्थिति में ये इलिप्स की शेप होगी। और उस समय इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस को हमने जेड बराबर जीरो के पैरेलल समतल से काट करके देखा तो वहाँ पर इसकी शेप कैसी होगी उसका हमें पता चलेगा, और ऐसी स्थिति में जो ओरिजिन है वह इलिप्टिक पॉइंट कहलाता है। यदि वहाँ पर दोनों इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी और रियल होंगी, तो उस समय ये पॉइंट हाइपरबोलिक पॉइंट होगा, क्योंकि वो जो शेप होगी इसकी वो हाइपरबोला होगी। और यदि दोनों कॉन्साइड कर जाएंगी, अलग अलग नहीं होकर के दोनों जो टेंजेंट्स आएंगी, दोनों जो इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट्स आएंगी वो यदि कॉन्साइड कर जाती हैं, ऐसी स्थिति में पैराबोला की शेप बनेगी वहाँ पर इस कर्व की, और वो पॉइंट जो ओरिजिन होगा वो पैराबोलिक पॉइंट कहलाएगा। इफ द
इक्वेशन ऑफ ए सरफेस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, यदि सरफेस की इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी हो, लेट एक्स वाई एंड जेड आर द फंक्शंस ऑफ टू पैरामीटर्स यू एंड वी, देन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन टू दिस सरफेस एट एक्स वाई जेड पॉइंट। अब हम ये पढ़ेंगे, यदि किसी सरफेस की इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी हो, एक्स वाई और जेड तीनों के मान यू और वी दो पैरामीटर के रूप में दे रखे हों, ऐसी स्थिति के अंदर इस सरफेस का टेंजेंट प्लेन कैसे ज्ञात करेंगे, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखते हैं। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन ऑफ ए सरफेस एक्स वाई जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू जीरो इज एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स ईटा माइनस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई जीटा माइनस जेड इंटू डेल एफ बाई डेल्टा जेड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि सरफेस की इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो आती है तो उसके एक्स वाई जेड पॉइंट के ऊपर किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं जिसको हमने यहाँ लिख दिया है। सिंस एक्स वाई जेड आर द फंक्शंस ऑफ यू एंड वी, दो पैरामीटर के फंक्शन है, इसलिए हमने कहा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू, कुल मिलाकर के जो सरफेस एफ है उसका यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन है और उसको हमने चूंकि एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड यू के फंक्शन है इसलिए इसका हम एफ इज इक्वल टू जीरो का यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें डेल एफ अपॉन डेल्टा यू इक्वल टू जीरो आएगा, जिसको डी डी एफ अपॉन डी यू बराबर ही आएगा और इसका मान हमने जीरो कर दिया। इसी तरह से इसका वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या वो भी जीरो होगा और इसलिए दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इससे हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड, तीनों के मान निकाल करके हम एक में रख देते हैं, देन क्या होता है आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल्टा वाई डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड, ये जो है ये क्या है ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यही लिखा है ऑफ द सरफेस। नाउ फर्स्ट सेकंड थ्री वी है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, एक सेकंड दे रखी है, एक थर्ड दे रखी है, इन तीनों से देखिए इनमें से डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स हटेगा डेल एफ अपॉन डेल्टा वाई हटेगा डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड हटेगा तो ये सारणी की फॉर्म आ जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स ये हट गया ईटा माइनस वाई जीटा माइनस ये डिटरमिनेंट बन गया देन दिस इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ द सरफेस, ये सरफेस की टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। जब सरफेस की इक्वेशन हमें पैरामेट्रिक दे रखी हो, यू और वी दो पैरामीटर हों, तो उस समय उसके किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन की एक्स वाई जेड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होगी। थैंक यू।